नाथ समुदाय की परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में है और ऐसे में आज विजय जुलूस निकलेगा, क्योंकि विजयदशमी के दिन बुराई पे अच्छाई का प्रतीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संदेश देते हैं। और ऐसे में क्या कुछ मंदिर में कार्यक्रम है, सुबह से लगातार पूजा पाठ हो रहा है। हमारे साथ दुर्गेश जी मौजूद है, मंदिर से पुराने जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, नाथ संप्रदाय की क्या परंपरा है, मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं अभी जो कि सुबह से पूजा अर्चना हो रहा है? देखिए, ये परंपरागत विजयदशमी का पर्व गोरखपीठ का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। कन्या पूजन के पश्चात विजयदशमी के पावन अवसर पर गोरखपीठाधीश्वर के रूप में पूजा अर्चना का जो पूजा अर्चना जो सुबह से प्रारंभ होती है वो लगातार शाम तक चलती रहती है। इस क्रम में गोरखपीठाधीश्वर अपने पूर्ण वेश में उतरते हैं। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद सभी मंदिर स्थानों पर भोग लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद राजतिलक का कार्यक्रम होता है। राजतिलक के पश्चात वो अपने एक भव्य शोभा यात्रा के साथ रामलीला मैदान जाते हैं, वहाँ राम जानकी लखन जी की आरती पूजा अर्चना करते हैं। एक दंडा अधिकारी के रूप में भी मुख्यमंत्री नजर आते हैं, अलौकिक रूप होता है, अलग अंदाज होता है। निश्चित तौर पे धर्म और कर्म और जिम्मेदारी सबको एक माला में पिरोते हुए पूज्य महाराज जी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ, सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अपना पूरा चलता है कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और समाज को एक संदेश देते हैं कि जो यह आज दशहरा का पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसको साथ लेकर के चलने की एक प्रेरणा भी देते हैं। इसी क्रम में, चूँकि गोरखपीठाधीश्वर का एक परंपरा रहा है कि नवरात्र प्रारंभ होने के बाद विजयादशमी के दिन ही नीचे उतरना रहता है, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्षमा मांगते हुए लोक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवा में लगातार लगे रहते हैं। ठीक है, आपने चूँकि महाराज जी का ये जो विजय जुलूस निकलता है ये कितना अहम होता है, और चूँकि महाराज आज दंडा अधिकारी के रूप में भी नजर आते हैं, उसमें क्या होता है? क्योंकि महाराज जी गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी आज ये हिंदुओं के, हम लोग के, हाँ, इस पूरे गोरखपीठ के एक मेन मुखिया हैं। इसी नाते आज वो सीएम की भूमिका नहीं, दंडाधिकारी की भूमिका रहते हैं। आज वो न्याय का फैसला देते हैं और आज ये उत्सव का माहौल है। यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ उत्सव, सुबह से ही एकदम पूजा पाठ, दोपहर में तिलकोत्सव का कार्यक्रम महाराज जी को होगा, उसके बाद शाम को भव्य शोभा यात्रा मंदिर से निकल कर मानसरोवर तक जाती है, फिर रामलीला मैदान पर तक जाती है। भीड़ होती है, अरे हजारों की भीड़ होती है उसमें, सारा चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सारे धर्म के लोग महाराज जी की अगवानी के लिए लाइन लगा कर एकदम सड़कों के बीच में महाराज जी को स्वागत के लिए आतुर रहते हैं। आप अभी मंदिर के बाहर जाइए, वहाँ मुस्लिम वर्ग एकदम लाइन से महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ आप थोड़ा आगे जाएंगे, सिंधी समाज लगा रहता है, सिख समाज, मतलब हर समाज के लोग, चाहे कोई किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, वो महाराज जी को आज एकदम पूछते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो विजय जुलूस है केवल एक जुलूस नहीं बल्कि बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक है वो संदेश देता है, और ऐसे में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी इस पूरे भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेते हैं। फिलहाल ये जो विजय जुलूस है वो तकरीबन 2:30 से 3 बजे गोरखनाथ मंदिर से रवाना होकर शाम 7 बजे रामलीला मैदान पहुंचेगा और वहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ प्रभु हनुमान का जो है तिलक करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद समाप्त होता है। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।